वेलकम स्टूडेंट, इससे जो हमारा पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम इसके कुछ अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। पहले हम क्या है क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट। रिपीट कर देता हूँ मैं कि यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स यदि हम बात करें अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितना भाई 200 न्यूटन, वो हमने अप्लाई किया है। फिर हम क्या देखते हैं कि इस पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा, वो हमें इसके अंदर बताना है। देखिए इसमें आपको पता है एक बात तो क्या कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि जो अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहां पे होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, एज वी नो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और ये किसके कारण है भाई? न्यूटन थर्ड लॉ के कारण हम बता दें। सो एज वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन देन ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम लेके चलेंगे तो 200 न्यूटन का ही फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने एक्शन किया 200 का, फोर्स अप्लाई किया है 200 न्यूटन का, तो अपोजिट डायरेक्शन सेम उतना ही फोर्स हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11, कि टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 और इज इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास 1.5 kg। वेलोसिटी of each object that is v1 is equal to v2 is equal to 2.5
5 मीटर पर सेकेंड। दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं भाई, आर मूविंग इन इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां से देखिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है भाई, एक इधर से आ रहा है एक इधर से, दोनों का मास क्या है बराबर, दोनों की वेलोसिटी क्या है बराबर। अब ये कह रहा कि जब वो टकराते और वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते तो उन दोनों की वेलोसिटी है वो क्या होगी, जो सेम वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो ये हमें बताना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में है, एज दे आर मूविंग इन ओपोजिट डायरेक्शन सो वी वन इज इक्वल टू माइनस वी टू। ये नेगेटिव साइन यहां पे क्या चीज शो कर रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी भाई, अपोजिट होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, या फिर इसको भी इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसको हम यू वन मान लेते हैं, यू वन यू टू, U1, U2 मान लिया, और यहां पे भी क्या आ जाएगा U1, U2। अब दोनों बाद में, ये तो क्या है बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन हम लिखेंगे M1 V प्लस M2 V। ऐसा क्यों लिखा भाई, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है हमारे पास सेम है, एक ही वेलोसिटी है, तो दोनों हमने क्या मान ली V। M1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1.5 इंटू 2.5 माइनस, क्योंकि एक वेलोसिटी हमें कैसी लेनी है नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, और M1 M2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यदि हम सीधे ही माइनस करते तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 3V, और V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि यदि उनमें कोलिजन हो जाता है तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो एक जगह पे रुक जाएंगे, ये है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास बराबर है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, जैसे ही उनके बीच में कोलिजन होगा उसके बाद वो मूव नहीं करेंगे, वो एक जगह पर रुक जाएंगे, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है भैया। देखिए कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक, यही है भाई कि जब हम किसी को ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो वापिस, वो अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में हमने लिखा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्या बताया है इसने कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबली नॉट मूव। ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल कैंसिल ईच अदर, कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डो नॉट मूव। इसको आप, मैं केवल समझा देता हूं, फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, या फिर मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। भई एक ट्रक है,
ठीक है, ज़्यादा ही टायर लगा दिया हमने कुछ, ये ऐसे रोड साइड पे खड़ा हुआ है। ठीक, हम क्या देखते हैं कि किसी ने इसको पुश करने की कोशिश की। ठीक है, अब पुश कर रहे हैं हम इसको तो वापिस फोर्स नहीं लग रहा है, फिर या इसकी मूवमेंट नहीं हमें देखने को मिल रही, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए रीजन ये है कि भाई जब ये खड़ा हुआ है ऐसे, तो जो रोड है और जो टायर है हमारे पास, इनके बीच में क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यदि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को मूव नहीं करने देंगे भाई। जब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उससे कहीं ज्यादा है, जो अप्लाइड फोर्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके कंपैरिजन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वो बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये ट्रक है वो मूव नहीं कर पाता। ये तो था इसमें जो पहली स्टेटमेंट पूछी थी उसका आंसर। अब इसने एक चीज और कही है क्या, कि स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। ये वाली लाइन में है, ये जो लॉजिक है ये बिल्कुल सही है कि जो फोर्स अप्लाई किया है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो अप्लाई होगा और दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आप पहली चीज का आंसर ये बता देते बता सकते हो कि क्यों मूव नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू है भाई वो ज्यादा होती है जो हमने अप्लाइड फोर्स किया है उसके कंपेरिजन में। ये हमने पहले ही बता दिया कि मास बहुत ज्यादा है ट्रक का इसलिए मूव नहीं कर पाता, तो ये आप इसका आंसर कर सकते हो खुद। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, ए हॉकी बॉल ऑफ मास एक दे रखा भाई, मास ऑफ हॉकी बॉल इसको हमने मान लिया M1 कितना है, 200 ग्राम, ट्रैवलिंग एट द इसकी जो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ हॉकी बॉल U1 या U हम मान सकते, कितनी है वो, 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टक बाई ए हॉकी स्टिक एज टू सो एज टू रिटर्न इट्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर ये हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं हमें। अब फाइनल वेलोसिटी हम यदि लिखे v इज इक्वल टू -5, यहां तो 5 दे रखा है, हमने इसको -5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हम वापस लेके जा रहे, एक हॉकी बॉल थी वो इस डायरेक्शन में जा रही है भाई, किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। बाद में हमने हॉकी स्टिक से क्या किया, इसको लेके इसको वापस ओरिजिनल पाथ में ले आए और स्पीड क्या कर दी इसकी, चेंज कर दी हमने। अब इसने पूछा क्या है कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय हॉकी स्टिक, कि जब हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, देखिए वो, अब यदि हम यहां से निकाले भाई इनिशियल मोमेंटम निकाले, मोमेंटम इसकी वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी भाई, यहां से पहले तो इसको हम ग्राम से 0.2 किलोग्राम ये आया हमारे पास, तो MU 0.2 × 10 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम MB कितना हो जाएगा भैया, 0.2 × -5 कितना
कितना हो गए, 1 - 1 केजी मीटर पर सेकेंड। चेंज अब पहले हमारे पास कितना था, बाद में कितना हो गया, वही तो होगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पहले कितना था भाई, 2 माइनस, दोबारा कितना हो गया, -1, तो कितना आएगा, 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी बचे हुए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।